उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत निबोदा गांव में निवास करने वाले ग्रामीण अपने गांव और आसपास के गांव की गायों को बचाया जा सके, इसलिए मिलजुल कर अपनी फसल का निकालने वाला भूसा और चारा बाजार में नहीं बेचते हैं और अपने घर का निकला हुआ निजी चारा और भूसा एकत्रित करके सैकड़ों गायों को पालते हैं। इन ग्रामीणों ने अपनी निजी राशि खर्च कर गौशाला का निर्माण करवाया है। यहाँ पर सैकड़ों गायों को रखकर इनका ध्यान रखा जाता है। इनका रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाता है ताकि गायों को बचाया जा सके और गायों को बढ़ावा दिया जा सके। सनातन संस्कृति में गायों को पूजनीय माना गया है, इसलिए हम सब गांव के ग्रामीण मिलजुल कर इस गौशाला को चला रहे हैं और सैकड़ों गायों को निरंतर बचाने की मुहिम चला रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 10-15 लोग ये सब मिलकर ही सहयोग करते हैं। जो ये आप देख रहे हो निर्माण कार्य, बाउंड्री वाल, जो भी शेड वगैरह, ये सब दान से ही करा हुआ है पूरा। अच्छा। 10-15 साल में जो सब ये भूसे का गोदाम है, ये गौशाला का जो शेड है, नीचे फ्लोरिंग है, ये बाउंड्री वाल है, सब ये दान से ही हुए, शासन के अनुदान से। तो जो नौकरों की तनख्वाह वगैरह वो ही पूर्ति होती है। किस प्रकार से आप लोगों के मन में ख्याल आया कि गायों को बचाया जाए और इस मुहिम को निरंतर आगे जारी रखा जाए? अब अपने गांव में शासकीय जमीन मिल गई थी और महात्मा जी ऐसे नहीं है, इस आसपास के सारे क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं, आसपास के गांव वाले, वो सभी यही भूसा डालते हैं। सबसे ज़्यादा ये हमारे मामा जी का सहयोग रहता है भूसे में। इनके यहाँ से कम 40 से 50 ट्राली भूसा यहाँ आता है। अच्छा। इनकी जमीन का जितना भी है शुक्ला, वो भूसा वो यहीं पर आता है। शासन स्तर पर अगर अनुदान की बात करते हैं तो अनुदान में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई और किस प्रकार से क्या रहता है? अनुदान में बढ़ोतरी कम राशि में हुई है, ज़्यादा राशि में नहीं हुई है। अच्छा। समिति में सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ सेवा और निराश्रित गायों की सेवा भी होती है, बूढ़ी अपंग और निराश्रित गायों की यहाँ मतलब सेवा की जाती है। किस प्रकार से जो है गायों को बचाने की मुहिम जारी है, क्या रहता है? गायों को बचाने के लिए साहब सतत प्रयास है हम समिति वालों का। जो भी जैसे गाय कहीं गिरी पड़ी है उसको भी मतलब हम व्यवस्थित करते हैं। गाय यहाँ जो गिरी पड़ी है उनकी सेवा भी करते हैं, चारा पाने की व्यवस्था भी यहाँ होती है। अच्छा। करीब कितने लोग जो है इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, क्या रहता है? इस मुहिम में कम से कम 21 सदस्य हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं जो हमारे अस्थाई सदस्य भी बहुत सारे हैं। आसपास के कम से कम 4-5 गांवों का सहयोग भी मिलता है। ये गुरुजी के समय से ये गौशाला पहले इंगोरिया में थी, श्री पंचमुखी हनुमान गौसेवा वहीं से पंजीकृत होके फिर गुरुजी की समाधि लगने के बाद यहाँ पे निम्बोदा में आई, फिर यहाँ के लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।